मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स दे से। कहते हैं छोटा हो या बड़ा या हो आधा अधूरा, यह सबकी मन्नतें होता है पूरा। पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ आके अपना ख्वाब पूरा किया है। यह कोई किसी के लिए रुकता नहीं, कोई किसी के लिए झुकता नहीं, यह सब लगे हुए हैं अपने मुकाम में पहुँचने के लिए। शायद इसीलिए रफ़ी जी ने बोला था, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हटके ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। तो बात कुछ ऐसी है कि सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद हमारे पास था एक महीने की छुट्टी, तो कुछ ज़रूरी काम के चलते हम चले आए मुंबई बैग उठा के। अब अगर बादलों के बीच में से मुंबई जाना है तो लगता है करीब 2 से 2.5 घंटा, लेकिन अगर हिंदुस्तान की पूरब से पश्चिम हर कोना देख देख के आपको जाना है तो चलिए चलते हैं। ये सफ़र था 33 घंटे का। इंडियन रेलवे की एक बहुत बड़ी समस्या है जो है लेट होना, और इस लेट होने के चलते हमें मुंबई पहुंचने में लगा 32 घंटे 50 मिनट। अब सच्ची में 12 घंटे के बाद ये ट्रेन जर्नी बहुत बोरिंग लगने लगता है। कभी मूवी देख के तो कभी सो के, कभी बातचीत करके तो कभी किताबें पढ़ के, जैसे तैसे करके हमें 1.5 दिन बिताना था। और इधर हमारा ट्रेन बंगाल से बिहार, बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान की सीना चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे ही 1.5 दिन बीत गया और जुलाई के पहले दिन की पहले सुबह हम पहुँचे CST ठीक 7 बजे। एंड वेलकम टू मुंबई। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। तो ये था मुंबई आने की कहानी, ये तो बस शुरुआत है। मुंबई की बाकी कहानियाँ आपको बताना बाकी है, उसके लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पर, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बस अलविदा।